और ये नंबर आपने जो ले रखा है ये DL8S आपका रजिस्टर्ड है और 5800 ये आपको साथ में मिला है कि आपने लिया है अलग से? मैंने, देखो चालान तो होता ही है ना, आप उनको मौका चाहिए चालान काटने का वो तो काट ही देंगे, लेकिन अपने शौक ही निराले। और ये देख रहा हूँ कि जैसे आपने रूट्स भी लगवा रखे हैं इसके अंदर, तो बड़े वाले हॉर्न होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका कोई चालान वगैरह कुछ? चालान तो है बस वही जिगरे वाली बात है। अच्छा, बस झेल। अच्छा, जिगरा भी तो चाहिए भाई ऐसी चीजें चलाने के लिए रोड पे, समझ लो। और बुलेट कोई छोटी मोटी गाड़ी तो है नहीं, स्प्लेंडर या स्कूटी तो है नहीं जिसे कोई हाथ दे के फटाफट रोक लेगा, क्योंकि नंबर प्लेट आपने कहाँ से परचेज की इसके लिए? ये भाई ये बड़ी दूर से इम्पोर्ट कराई है मैंने, ये मेरे को पड़ गई थी। हाँ जी दोस्तों, फिर से स्वागत है हम आपका हमारे साथ, और आज हम आपके लेके आए हैं रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, जो है हमारी रॉयल इनफील्ड, जिसके दीवाने तो आपको सारे इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, और बच्चे से बच्चा से लेके बड़े से बड़ा इसका फ़ैन है। गाड़ी से बारे और गाड़ी के ओनर से आपको मिलवाते हैं, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी क्या है। ऐसी कुछ भाई ने बना रखी है जिसको काला घोड़ा बोला जाता है छोटे शब्दों में, और भाई ने नंबर भी मुझे लगता है पीछे VIP चढ़वा रखा है इस पर। और ये देखिए साइड से कुछ ऐसी दिखती है, अलॉय वलॉय से गाड़ी लोडेड है। तो भाई से मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई ने क्या खर्चा कर रखा है इसके अंदर, और गाड़ी में और क्या करवाना चाहते हैं, कौन सा मॉडल है, कौन सी सीरीज़ है, कहाँ की रजिस्टर्ड है, सब कुछ भाई से बात करते हैं। तो भाई को तो आप दोस्तों पहले भी आप देख चुके हैं हमारी वीडियो, इनके पास स्प्लेंडर थी, हमने इनकी वो की थी रिव्यू, तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा आई बटन में, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। हाँ जी अमित भाई, कैसे हो फिर आप? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो आपने मतलब आप ब्लैक कलर के शौकीन हो गए, ये भी आपने ब्लैक रखी हुई है, स्प्लेंडर भी आपकी ब्लैक थी, जटना का फेवरेट कलर ब्लैक है। ये आगे क्या लिखा हुआ है सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आपने आगे क्या लिखवा रखा है? मालवा लिखा हुआ है। अच्छा, मालवा। मालवा तो पंजाब में पड़ता भाई, गांव का नाम है मालवा, हिंदी में बोल देता हूँ, एक गांव का नाम है मालवा। अच्छा, वो लिखा हुआ है। आगे की नंबर प्लेट भी आपने बहुत छोटी सी लगवा रखी है, कोई चलान वाला नहीं होता इसको? नहीं, चलान तो। अच्छा, जिगरा भी तो चाहिए भाई ऐसी चीजें चलाने के लिए रोड पे, समझ लो। और बुलेट कोई छोटी मोटी गाड़ी तो है नहीं, स्प्लेंडर या स्कूटी तो है नहीं जिसे कोई हाथ दे के फटाफट रोक लेगा, क्योंकि पुलिस वालों को भी पता है रॉयल बंदे ही चलाते हैं रॉयल इनफील्ड जैसी गाड़ियाँ। तो बाइक से अगर मैं शुरुआत करूँ तो जैसे मैं देखूँ कि आपने आगे इसमें लाइट को कवरिंग किया हुआ है पूरा, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन आपने कवर क्यों की हुई है? एक्चुअली मैं मतलब कवर लेके आया था ऐसे रैंडम जा रहा था, तो मेरे को इसका हेडलाइट का कवर मिल गया, तो ये सिंपल कवर ना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने इस पे मालवा लिखवा लिया, तो एक नया ट्रेंड चल गया ये। चलो बहुत बढ़िया। तो बाकी अब दिन में तो लाइट कोई जलाता नहीं है, तो मैंने सोचा दिन में कवर लगा के रखेंगे, रात को हटा के रखेंगे। तो बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये नंबर प्लेट आपने कहाँ से परचेज की इसके लिए? ये भाई ये बड़ी दूर से इम्पोर्ट कराई है मैंने, ये ओल्ड मॉडल बुलेट की है, ये रॉयल एनफील्ड जो ओल्ड आती थी, अब आपको शायद मोस्टली बहुत कम मिले हैं यहाँ पे, लेकिन ढूंढने पे मिल जाएगी, भगवान भी मिल जाता है, ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाता है, वो बात तो आपकी सही है। आगे डिस्क ब्रेक वाली जैसे दिख रही है मुझे डिस्क है, तो ये मेरे को देखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं है ये, अभी आपने कब परचेज किया है इसको? ये इसको हो गए 6-7 महीने। अच्छा, तो मतलब BS6 होगी फिर तो ये? हाँ, BS6 है। तो सबसे पहले बात मेरे को एक बात बताओ, BS4 और BS6 में मैंने सुना बहुत जमीन आसमान का फर्क है बुलेट के अंदर, गाड़ी खिंचती नहीं है, पिकअप नहीं है, लोग मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं, और जो अब इसका लेटेस्ट मॉडल जो अब निकाला है रॉयल एनफील्ड वालों ने, उसको तो लोग सब डिसलाइक कर रहे हैं। देखो ये तो मैं भी कर रहा हूँ, शायद आप भी इस चीज को एग्री करोगे कि हाँ जो अब BS6 का नया मॉडल आया, बाकी अपना अपना सबका POV होता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन तो भी ऑनेस्ट एक बात बोलो तो बुलेट में BS4 ही बेस्ट एडिशन था, है ना, और जैसे BS6 आई है तो वो भी कहीं ना कहीं एक बेस्ट अपडेशन होता है ना गाड़ियों में टाइम के हिसाब से, तो वो चीज है। हाँ, ये चलने में भी हल्की फुल्की दबती भी है, वो वाला फील नहीं है इसमें, जैसे आप देख रहे होंगे आजकल उसका साइलेंसर का चलान है जो भी है, मैंने इसमें बैंड पाइप वगैरह लगवा नहीं रखा है, तो बाकी ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ, ज्यादा कुछ मैंने करवाया ही नहीं है इसमें। BS6 भी अच्छी है, कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के कंपनी ने ये चीज बनाई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अलॉयज आपने आगे डाले हुए हैं? हाँ जी। तो ये क्या कॉस्टिंग पड़ती है, और मतलब आपने ये क्यों स्विच किया, तारों वाले जो आते हैं जो कंपनी देती है वो आपने क्यों नहीं रहने दिए इसमें? बस वही, ये ज्यादा अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने ये वाले लगवा रखे हैं, इनको कहते हैं मर्सिडीज व्हील, ये इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ गई थी 7.5-8 हज़ार के लमसम। अच्छा, इसे मर्सिडीज डिजाइन इसको बोलते हैं? हाँ, इसका डिजाइन भी देखने में कुछ मर्सिडीज जैसा ही लग रहा है। और आगे के टायर फिर आपने ट्यूबलेस रखा हुआ है कि नॉर्मल ट्यूब वाला है? दोनों टायर ट्यूबलेस है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो आपने बहुत अच्छी चॉइस की है कि ट्यूबलेस करवाया इसको। और ये देख रहा हूँ कि जैसे आपने रूट्स भी लगवा रखे हैं इसके अंदर, जो बड़े वाले हॉर्न होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका कोई चालान वगैरह कुछ? चालान तो है बस वही जिगरे वाली बात है। अच्छा, बस झेल रहे हैं। कुछ दिनों में मैंने बताया कि इसके साइलेंसर पे भी चलाना है, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों में चेंज करवाऊंगा। हाँ, साइलेंसर जैसे मैं देख रहा हूँ ये नॉर्मल वाला साइलेंसर लगा हुआ है जो कंपनी की तरफ से आता है,
ठीक है वैसे ये भी मेरे हिसाब से तो ठीक रहता है, हमें मात मान लेनी चाहिए, पर जो बुलेट का मजा है और जो बुलेट का नशा है ना वो तो दुख दुख में ही है। जब तक उसकी आवाज़ नहीं आती चार बंदों को पता नहीं लगता कि रॉयल बुलेट आ रही है भाई, रॉयल बंदे आ रहे हैं, तो उसमें मजा नहीं आता। पीछे की तरफ आ जाते हैं तो वही सेम आपको अलॉय देखने को मिल जाएगा, मेड तो सब कुछ सेम ही है। ये आपने पीछे इसके सीट पे जैक लिखवाया हुआ है, ये जैक का समझा नहीं मैं, मतलब एक्चुअली मेरा एक पेट है उसका नाम जैक है। अच्छा आप एक पेट ऑन करते हैं? हाँ। अच्छा डॉग है कि कैट है? डॉग है। अच्छा कौन सी ब्रीड का है? जर्मन शेफर्ड। अच्छा जर्मन शेफर्ड है, उसका नाम भाई ने यहाँ लिखवाया हुआ है जैक, बहुत बढ़िया। और ये नंबर आपने जो ले रखा है ये DL8S से आपका रजिस्टर्ड है, और 5800 ये आपको साथ में मिला है कि आपने लिया है अलग से? मैंने एक्चुअली एक्स्ट्रा पे करके लिया है। तो क्या कॉस्टिंग पड़ी आपको इसकी? 10-15 हज़ार। अच्छा 10-15 हज़ार में आपने लगवा लिया, ठीक है बहुत बढ़िया भाई। और कुछ बताइए इसके बारे में, ये BS6 के बारे में बताइए, BS4 तो हम मैंने भी बहुत चलाई है, BS6 में ऐसा क्या है, आपको लगता है कंपनी ने कुछ चेंज किया है जो उसको बस ऐसे ही मुंह उठा के BS6 नाम दे दिया? BS6 चेंज तो किया है इसमें, मतलब सबसे बड़ी चीज चेंज हुई है कि पहले इसमें कार्बोरेटर आता था BS4 में, अब BS6 में एक मोटर लगी हुई है फ्यूल पंप जिसको कहते हैं MPFI, सो ये है। और बाकी इसकी RPM है जो हमेशा फास्ट रहती है BS6 में, आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी कोई मेजर चेंजेस तो नहीं है इसमें, सब कुछ सेम ही है, बस BS6 में ये है कि MPFI आ गया। तो आपने इसके, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आपने इसमें मैट फिल्म वगैरह कुछ चढ़ा रखी है शायद? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, ये प्रोटेक्ट करके रखती है ना इसको, गाड़ी को पूरी गाड़ी को, जैसे साइड पैनल्स हो गए मेरे, ये हो गया टंकी हो गई, इस पर मैंने करवा रखी है ताकि कोई स्क्रैचेस, जैसे हम ज़्यादा कपड़ा मारते हैं तो शाइन कर जाती है उसकी। बहुत बढ़िया, आपको कैसी लग रही है देखने में व्यूअर्स, आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप एक थम्स अप दे सकते हैं, भाई की स्प्लेंडर का रिव्यू भी हमने किया हुआ है, उस पर भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो एक बात आप मेरे को बताओ, आपको ऑन रोड कितने की पड़ी है? ये है मतलब कि 2.5 लाख या 2.25 लाख तक की पड़ रही है अभी ऑन रोड। अच्छा ऑन रोड आपको पड़ रही है, इंश्योरेंस वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूडेड है? सॉरी, इंश्योरेंस वगैरह सब इंक्लूडेड है? इसके अंदर ही इंक्लूडेड होता है। अच्छा सब ऑन रोड में, मतलब वो सब कुछ आ जाता है, ऑन रोड जो भी चीजें हैं, इंश्योरेंस वगैरह जो भी ऐसे जो आप लेना चाहते हो एक्सटर्नल, सब कुछ इतने के अंदर आ जाता है। तो ये 350 cc है बेसिकली ना, इसमें 500 cc का भी मॉडल आता है, आपने वो प्रेफर क्यों नहीं किया? इसमें अलग मजा, देखो मैंने अभी आपको बताया कि मैं थोड़ा और स्कूल टाइप बंदा हूँ, पहले भी बताया, शायद आपको ये चीज कहीं ना कहीं फील भी हुई होगी मेरी पहली वीडियो में भी, जब पहले आपने मेरा लिया था जो भी इंटरव्यू वगैरह। तो इसमें जो 350 cc है ना, ये ओल्ड टाइप मतलब पहले से यही चलती आ रही है, तो अब हम बंद कर दीजिए, तो हम शुरू से देख रहे हैं, तो 350 cc तो इसमें एक अलग ही फील है, अलग ही बात है, तो ठीक है एक अपने बजट के हिसाब से 350 cc। ये मैं कुछ देख पा रहा हूँ इसके अंदर, पता नहीं क्या एडिशनल मैंने अभी इसी बाइक में नोटिस किया है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये एयर फिल्टर असेंबली है। अच्छा ये कंपनी ने एक्स्ट्रा ऐड किया है इसके अंदर? ये एक्स्ट्रा ऐड नहीं करी है, यहाँ पे थ्रोटल बॉडी लगाई है, तो थ्रोटल बॉडी लगने की वजह से यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज्यादा गिर गया है, और ये पूरी एयर फिल्टर असेंबली है। तो इसका क्या फायदा है, कुछ फायदा है इसका? फायदा कुछ नहीं है, पर जगह घेर लिया थोड़ी सी। अच्छा और ये साइलेंसर में मैं देख रहा हूँ यहाँ के इसके बैंड पाइप में, ये क्लिप सा लगा हुआ है ये सामने, ये इसका क्या फायदा है? सेंसर है एक्चुअली, जो हमारा पोल्यूशन वगैरह होता है ये उसको कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के बाद मतलब कि इसमें कंट्रोल ही करता है, मेन रीजन तो ये है इसका लगाने का, बस आप इतना समझ लो। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, बाकी बाइक तो ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छी लग रही है आपकी देखने में, ब्लैक कलर, ब्लैक तो सबका फेवरेट है, इवन मेरा भी ब्लैक फेवरेट है, बहुत मजा आया बाइक से मिलके। ये आपने लेग गार्ड अलग से लगवाया है मुझे जहाँ तक ऐसा फील हो रहा है, तो इसमें बाहर से क्या क्या काम हो रखा है एक बार बताएंगे मुझे? बाहर से देखो जैसे मैंने रूट्स लगवा रखे हैं, ठीक है, और आपका ये आपने देखा ये कवर लगवा रखा है, ये नंबर प्लेट मैंने अलग से कस्टमाइज कराई थी, मंगवाई थी, और हॉर्न आपने लगा रखे हैं अलॉयज। अच्छा पीछे वाला टायर मैं दिखाना भूल गया व्यूअर्स को अपने, पीछे वाला टायर कैसा लगवा रखा है आपने? अच्छा पीछे वाला टायर जो गाड़ी कंपनी देती है वो बहुत पतला टायर होता है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो, मतलब बुलेट जो है एक रॉयल, आप अभी आपने बताया वीडियो में एक रॉयल बंदे की पहचान है, तो ये बुलेट में अगर भारी टायर लगाओगे या फिर थोड़ा लगना चाहिए चलते हुए कि कुछ चल रहा है, बुलेट एक तो भारी है ऊपर से टायर भी भारी होगा तो चिपक के चलेगी रोड से, मजा आएगा, इनहेंस फील आएगा। तो कितना खर्चा मतलब ओवरऑल आपका आ गया अलॉयज टायर्स, अगर मैं रूट्स की बात करूं, अगर 25,000 किसी बंदे को अगर करवाना है तो इतना लग जाएगा? 20-25 हज़ार लेके चलो आप, 20,000 कम से कम तो लेके चले बंदा, अगर किसी बंदे को बुलेट एक ऐसी अपनी बनानी है नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है, ये नॉर्मल मॉडिफिकेशन है जिससे कोई दिक्कत नहीं है रोड पे ऑन रोड चलाने में भी। बहुत बढ़िया, लीगल है मतलब ये सब आपके कहने का मतलब लीगल है, रोड पे आप इसको चला सकते हैं। ठीक है अमित भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और व्यूअर्स को आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा तो ये है कि भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, और नई नई अपडेट्स चाहिए हो जैसे गाड़ियों की और भी एक्सेसरीज वगैरह की,
तो भाई का ईमेल या फिर जो भी है नंबर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अच्छे हैं भाई, मिलके अच्छा लगा। बहुत थैंक यू भाई, बहुत बहुत बढ़िया। मैं तो चाहता हूँ आप नई नई गाड़ियाँ और ले और हमारे चैनल पे फीचर करवाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपसे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, सी यू एंड पीस।